और बड़ी खबर है, क्रैश की जांच के लिए तकनीकी टीम का भी ऐलान किया गया है। सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने बनाई है तकनीकी टीम। क्रैश मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। ईरान ने क्रैश साइट को भी सील कर दिया है। क्रैश साइट से जुटाए जाएंगे तकनीकी सबूत। तो देखिए, इस पूरे हादसे की अब जांच होगी और इसके लिए एक तकनीकी टीम का ऐलान भी किया गया है। ये हादसा था या फिर कोई साजिश, इसको लेकर के अब जांच होगी। इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी काफी गुस्से में है। इसराइल और पश्चिमी देशों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सोचिए, अभी ऐसे हालात है, अगर मौत के पीछे साजिश निकल आई तो अरब को सुलगने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि हालात ऐसे भी हो सकते हैं जिससे तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खुल सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद पूरे ईरान में मातम है। 5 दिन का शोक रखा गया है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने संदेश भी जारी किया है, जिसमें हमास की तरफ से कहा गया है, ये बेहद दुख का वक्त है। ईरान के लोग संकट के वक्त में संयम बनाए रखें। हमें भरोसा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस वक्त से जल्द ही उबर जाएगा, लेकिन इस दुख की भरपाई कभी नहीं हो सकती। अगर महान रईसी की मौत के पीछे कोई षड्यंत्र निकला तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इसी तरह हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के बेटे ने शोक संदेश में कहा है, अगर ईरान को कोई भी ऐसा सबूत मिलता है जिसमें इजराइल का हाथ सामने आता है, तो दुनिया एक ऐसे भौगोलिक बदलाव की गवाह बनेगी जिससे पूरा अरब जल उठेगा। पश्चिमी देशों की मदद से इजराइल का ऐसा कदम तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकता है। यानी सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी गई है, क्योंकि अभी भी ईरानी प्रॉक्सी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि रईसी की मौत एक हादसा हो सकती है। उन्हें इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है, जबकि अभी तक ईरान की तरफ से साजिश को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब सवाल उठ रहा है, अगर 5 दिन के शोक के बाद ईरान को रईसी की मौत साजिश नजर आती है तो क्या हो सकता है? क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है? ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इसराइल पर हमला कर सकता है ईरान? क्या अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा? क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थ्योरी पर टिका रहेगा? क्या ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इसराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज होंगे? क्या ईरान कुछ दिन खामोश होकर बहुत बड़ा हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो अरब को सुलगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईरान इसराइल के बीच कभी ना खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, जिससे अरब में लगातार विस्फोट होते रहेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान रईसी की मौत का इस्तेमाल एक ट्रिगर की तरह कर सकता है, जिसमें हादसे के पीछे गहरी चाल बताकर इसराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत का माहौल बना सकता है। ऐसे में चीन और रूस फायदा उठा सकते हैं, जो ईरान के साथ मिलकर बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो अभी तक युद्ध में बैकफुट पर चल रहा अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। यानी रईसी की मौत से महाशक्तियों में टकराव के आसार बन रहे हैं, जिससे अरब में कभी भी तबाही का ज्वालामुखी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।